बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पिज़्ज़ा पिन व्हील्स बनाना सिखाऊंगी, और वो भी एक डिफरेंट टॉपिंग के साथ, तिक्का टॉपिंग के साथ हम इसको तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, बहुत ही सबको पसंद आती है। चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। उसके लिए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून हम पानी ले लेंगे। ये नीम गर्म पानी लिया मैंने, और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। इसके बाद 1/2 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून शुगर यानी चीनी डालेंगे, और इसके बाद 1/2 कप के करीब हम मिल्क यानी दूध डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसके बाद तकरीबन 1 कप के करीब ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा डाल देंगे और गूंद लेंगे अच्छे से सारी डो को। इसके बाद हम इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और हम अच्छे से मिक्स करेंगे डो में। ये देखिए जी, डो हमारी बहुत ही अच्छे से गूंद चुकी है। बिल्कुल इसी फॉर्म में आपने, इसी तरह से सॉफ्टली आपने गूंद लेना डो को। इसके बाद हम इसके ऊपर से थोड़ा सा हाथों पे कुकिंग ऑयल लगाकर इस डो को कवर करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि ये राइज हो जाए। गर्म जगह पर रखेंगे ताकि ये अच्छे से राइज हो जाए। टिक्का मोटी बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स शामिल हैं इसमें। चिकन लेंगे तकरीबन 1 kg के क्रीम, इस तरह से क्यूब्स करवा लीजिएगा चिकन के। बोनलेस चिकन लेंगे, और इसके अलावा स्पाइसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नमक लेंगे हसबे ज़रूरत, रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून, हल्दी लेंगे 1/2 टीस्पून के क्रीम, और साथ में अजवाइन है तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसके अलावा लेमन जूस लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लेंगे 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे, इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। तिक्का बोटी मसाला लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, और इसके अलावा चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसके अलावा वुडन स्टिक्स ले लेंगे, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं बोटियों को प्रोने के लिए। चलिए इसके बाद हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए चाहिए होगा हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर और अजवाइन शामिल कर देंगे, नमक शामिल करेंगे, लेमन जूस डाल देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे और टिक्का मसाला डाल देंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे। इसके बाद सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला चिकन में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 1/2 घंटा छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि सारा जो मसाला है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर। तकरीबन 1/2 घंटा गुजर चुका है और चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन को हम इन वुडन स्टिक्स पे अच्छे से प्रो लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक ग्रिल पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके बाद जो तिक्का बोटी हमने तैयार की थी वो इसमें हम लगा देंगे, और नीचे फ्लेम हम मीडियम रखेंगे
अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो जो सिंपल पैन घर में होता है आप उसमें भी टिक्का बोटी बना सकते हैं, मगर उसमें ऑयल जो है कम डालिएगा, ज़्यादा इससे ऑयल से बिल्कुल मत बनाएं। टिक्का हमारा अच्छे से ग्रिल हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसका जो चिकन है, चिकन की जो बोटी है बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। टिक्का बोटी हमारी रेडी हो चुकी है और ये देखें डोबी हमारी बहुत ही अच्छे से राइज हो गई है, बहुत ही अच्छे से राइज हुई है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे बेल लेंगे। डो को हमने बिल्कुल इस तरह से बेल लेना है और इसके बाद जो हमने टॉपिंग की जो भी चीज़ें जो पिज़्ज़ा में लगती हैं सेम वैसे इस पे टॉपिंग करते जाएंगे। टॉपिंग के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, चेडर चीज़ और मोजरेला चीज़ चाहिए होगी, ग्रेट की हुई पिज़्ज़ा सॉस चाहिए। ये मेरी होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, अगर आपने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसकी जो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसकी रेसिपी देख सकते हैं। इसके अलावा टमाटर चाहिए इस तरह से बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च लेंगे बारीक कटी हुई, प्याज लेंगे इस तरह से चॉप की हुई, टिक्का बोटी लेंगे हस्ब ज़रूरत, जितने आप ब्रेड्स बना रहे हैं उसी के मुताबिक आप ले लीजिएगा। सबसे पहले हम पिज़्ज़ा सॉस से टॉपिंग करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस की टॉपिंग करने के बाद हम इस पे जो हमने टिक्का बनाया था टिक्का बोटी की टॉपिंग कर देंगे। इसके बाद सारी वेजिटेबल्स जो हमने चॉप करके रखी थी उसकी टॉपिंग कर देंगे। इसके बाद हम चीज़ की टॉपिंग करेंगे लास्ट में। लास्ट में हम कोरिएंडर डाल देंगे और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। इसके बाद हम हाथ से प्रेस करेंगे टॉपिंग को और फिर एक साइड से हम रोल करते जाएंगे, जैसे हम स्विस रोल को रोल करते हैं बिल्कुल वैसे ही रोल करते जाएंगे। इसके बाद हम इस रोल को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। सारे पिज्जा रोल की हमने कटिंग कर ली है, इसके बाद हम इसे ट्रे में सेट कर देंगे। ट्रे को मैंने पहले से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था और अब हम इसमें सेट कर देंगे सारे रोल्स। इसके बाद हम इनको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। ओवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है, ओवन को अच्छे से 180 डिग्री पे हाफ एन आवर के लिए प्री हीट कर लेंगे और इसको अब हम ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। हमारे टिक्का पिज़्ज़ा पिन व्हील्स बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और साथ में जो बेल बटन दिया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मेरी लेटेस्ट रेसिपीज़ आएँ आप उनका नोटिफिकेशन लेते रहें। इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट ये बने हैं और बैक से देखें बिल्कुल जले भी नहीं हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। ये देखें कितने चीज़ी बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को।